ओहो भाई, सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? सो अभी जा रहे हैं बजाज शोरूम। जो ये बाइक का जो कलर था ना, न्यू लगवाया था मैंने, बट अभी ये हाफ देखो ऐसी फ्री हो रखा है, हाफ फ्री हो रखा है, तो ये दिखाना है। और अपना जो गियर लीवर है ये भी लूज हो रखा है, तो इसको भी दिखाना है वहाँ पे, ठीक है? दिखाना नहीं, टाइट करवाना है, सब काम करवा के आने, इतनी दूर जाना है तो, ठीक है? वैसा भी फिलअप करवा लिया, यहाँ से फटाफट निकलते हैं अभी जल्दी से, बजाज शोरूम चलेंगे अभी। और क्या होता है गाइस इसमें कि जैसे हम गियर हमने डाल दिया तभी भी इसका गियर लूज होता है, हिलता रहता है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपका गियर लूज हो गया, ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डाल दिया, तो इससे क्या होता है आपके गियर मिस होने के चांस रहते हैं। जैसे कि आपने थर्ड गियर डाल दिया, अब आपकी गाड़ी फोर्थ गियर मांग रही है, आप जैसे फोर्थ गियर डाल रहे हो ना, वो टक आवाज़ आएगी, लेकिन वो करके फिर बैक थर्ड गियर डल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं डालने का, ठीक है? तो ये है इसका सोल्यूशन कि अभी आप जाओ सर्विस सेंटर सीधा और वहाँ पर जाके दिखाओ। मेरा फिलहाल जो मैंने राइड की थी अभी, क्या बोलते हैं उसको, मसूरी वाली, तो उसमें क्या हुआ था, मेरा रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा था। तो अभी मेरी बाइक तो न्यू ही है फिलहाल, तो मैंने जाके दिखाया उनको, मैंने बोला भाई मेरा रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा है। और उन्होंने पूछा कि आपने जो डोमिनर की जो सर्विस है आपने कहीं बाहर से तो नहीं कराई? मैंने कहा नहीं भाई, पूरा सर्विस रिकॉर्ड पड़ा है, शोरूम टू शोरूम जो भी सर्विस सेंटर से मैंने करवाई है सारा रिकॉर्ड पड़ा है मेरे पास। तो फिर वो मेरी उन्होंने उनकी वो जो बाइक की जो पासबुक होती है, जो कॉपी होती है जिसमें एंट्री होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो वारंटी सर्विस होती है जो उसकी, तो उन्होंने वो मांगी, तो मैंने वो दिखा दी। तो जब मैंने वो दिखाई तो उन्होंने चेक चुक किया जो भी, मतलब इन्होंने बाहर से सर्विस नहीं कराई है, मतलब सर्विस सेंटर से कराई है, ठीक है ना? तो फिर वो मेरे को फ़ैन फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ गया, ठीक है? क्योंकि देखो मैंने सर्विस, एक तो बाइक वारंटी में अभी न्यू है, और वैसे भी देखो ये हमने कुछ जानबूझ के कोई बाहर से खुलवाया वुलवाया में नहीं है पार्ट, ये अपना आप ही ख़राब हुआ है सर, ठीक है ना? तो ये और इसकी कॉस्ट थी जो फ़ैन था ये 3800 कॉस्ट थी इसकी यहाँ पे देहरादून मयूर बजाज में लगा, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। ओहो भाई, रिएक्शन कैप्चर। रिएक्शन इसी में तो भाई, रिएक्शन एक नंबर। पब्लिक रिएक्शन ऑफ डोमिनार 400। अभी तो टाइम है 8:07। ग्रीन बाइक लोगे इसका यही फायदा है कि ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। ये क्लच दिखाना, इसका क्लच चोर है। इधर ही सर गाइस, अभी बाजार शोरूम आ गया हूँ मैं, बाद में आपसे मिलूंगा, पहले इधर काम धाम देख लेते हैं क्या क्या है इसका, ठीक है? तो भाई लोगों को भी गियर लीवर जो हमारा चेंज होगा, और तो यहाँ पे कह रहे हैं जो मैनेजर यहाँ के जो बोल रहे हैं कि इसका जो कैंपिंग चल रही है कोई यहाँ पे, तो इसमें सब इसके नट बोल्ट सब चेक किए जाएंगे, और चेन ल्यूब चेन टाइट कुछ चल रहा है इनका कुछ, मतलब मुझे लग रहा है जैसे कैंपिंग इनकी चल रही है तो वही अभी चल रहा है यहाँ पे। तो अभी अपना जो गियर लीवर वो चेंज होगा और चेन टाइट चेन ल्यूब होगी, और बाकी देखते हैं। मुझे एक चीज़ लगी भी यहाँ पे, एक सही यहाँ का स्टॉप बहुत बढ़िया है,
आप लोग तो हो ही बढ़िया। और वहाँ जम्मू मतलब यहाँ से लेके गया था मैं, जम्मू रहते थे पहले हम। हाँ तो क्या हुआ वहाँ का, तो कुछ भी नहीं है स्टाफ, कुछ भी स्टाफ नहीं वहाँ का, ऐसे आकड़ के बोलते हैं बताओ। यहाँ तो क्या है कि खुद देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये सब अच्छे बात करने में आप लोग है ना, ये है यहाँ से वो लगते हैं 11 घंटे लगते हैं, 10-11 घंटे। हाँ शाम तक पहुँच जाएंगे, रात तक पहुँच जाएंगे, 8-9 बजे तक है ना, ग्रुप है थोड़े बंदे यहाँ पे साथ में ना, दोस्त वगैरह भी वहाँ जम्मू में ना, तो थोड़ा सोचा कि राइड भी हो जाए और थोड़ा मिल भी जाए। ऐसे भी कोई यहाँ पे वैकेंसी वैकेंसी निकली है यहाँ शोरूम में? अच्छा लगाया था ये गियर लीवर हो गया, ये जो देख रहे हैं आप ये, अरे भाई ये गियर लीवर है, ये लगाया और ये चेन लूप की थी। ठीक है तो मैं एक रील बनाते हैं, एक बार फटाफट तरीके से एक रील बनाते हैं, तो भाई को ऑफ करते पहले। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स।